बहुत थक चुका हूं। आपसे सच छुपाते छुपाते टूट चुका हूं मैं। अब और कुछ नहीं छुपाना चाहता। तो बताइए सब कुछ सच सच। हमें लगा था कि आपने ऊपर माया को छुपाया हुआ है, लेकिन यहाँ तो... दक्ष साहब, दक्ष राज सिंह राठौड़ मेरा जुड़वा भाई। और माया मर चुकी है। दक्ष का ये कहना है कि माया को उसने मारा है। भाइयों में प्यार तो बहुत होता है, लेकिन अगर भाई जुड़वा हो तो रिश्ता और भी ज्यादा खास हो जाता है। एक अलग ही नजदीकी, एक अलग ही जुड़ाव होता है। बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात को समझ लेना, हमारे साथ भी ऐसा ही था। भले ही हम ट्विंस हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल जुदा, बिल्कुल अलग। मुझे किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन उसे शरारतें करना। लेकिन जितना शरारती था उतना ही टैलेंटेड भी। सिंगिंग, पेंटिंग, इन दोनों ही चीजों का बहुत शौक था उसे। इनफैक्ट लोगों की नकल भी उतारता था, और सबसे ज्यादा मेरी। हम डैड तो पहचान ही नहीं पाते थे कि ये दक्ष है देवराज। फिर वो हादसा हुआ। हादसा? मैं 11 साल का था। मॉम डैड तुम्हारी फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए जाना चाहते थे और मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता था। तो मैंने दक्ष से रिक्वेस्ट की, और दक्ष उनके साथ उस गाड़ी में चला गया। देवराज, ठीक से बैठिए। अब दक्ष के जैसे शरारत क्यों कर रहे हैं? मैंने मारा मॉम डैड को, मैंने मारा। उस हादसे का दक्ष पर बहुत ही गहरा असर हुआ। गहरी चोट लगी और सदमे से उसके बाएं हाथ ने काम करना बंद कर दिया। खाना पीना छोड़ दिया। घंटों बस एक ही दीवार को घूरता रहता था, तो बस एक ही चीज बार बार दोहराता था कि मैंने मॉम डैड को मारा, कि मैंने मॉम डैड को मारा। पूरा एक साल लगा उसे किसी से फिर से बात करने में। जो हादसा मेरी किस्मत में लिखा था वो मैंने दक्ष की किस्मत में लिख दिया। उस दिन के बाद एक ऐसा दिन नहीं था जब मैंने खुद को कोसा ना हो, इस बात का गिल्ट फील किया हो। उस एक एक्सीडेंट ने दक्ष की जिंदगी बदल कर रख दी। दक्ष की बॉडी, उसका ट्रॉमेटाइज्ड माइंड, वो उससे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, कभी भी नहीं। मैं भी खेलूंगा। तेरे बोलने तक तो हमारा मैच ही खत्म हो जाएगा। मैं फास्ट बॉल फेंकूंगा। ले फेंक। ये हाथ से नहीं, ये हाथ से। सबके लिए मैं जिम्मेदार हूं। दक्ष की ऐसी कंडीशन को देखकर स्कूल वालों ने भी कहा कि उसे स्कूल से निकालकर घर पर ही पढ़ाया जाए, और हमें भी उनकी बात माननी पड़ी। तो फिर वो दिन था, और आज का दिन उसकी जिंदगी इसी महल में कैद होकर रह गई। कम ऑन दक्ष, जोर से पढ़ो, इससे आपकी स्टैमरिंग प्रॉब्लम कम होगी। कंटिन्यू। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, लेकिन दक्ष, उसकी लाइफ वहीं थमकर रह गई। और उसके बाद मैंने कसम खा ली कि मैं अपनी पूरी जिंदगी दक्ष के नाम कर दूंगा। तो बेसिकली हम सबको ये नाटक करना होगा कि कृष्णा ही माया है, और वो किसी तरह इस एक्सीडेंट में बच गई थी ताकि दक्ष इस सदमे से बाहर आ सके। राइट, बशर्ते कृष्णा इस सब के लिए तैयार हो जाती है। तब What choice does she have? उसे यहाँ तक तो ले आए हम। देवराज ने अपने भाई की जान बचाने के लिए उससे शादी तक कर डाली। ये तो वही रूबी की अंगूठी है जो हमें हमेशा से चाहिए थी। कृष्णा जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐशो आराम की जिंदगी कभी नहीं छोड़ेगी वो। पैसे के पीछे ये लड़की कुछ भी। पैसों के पीछे नहीं है कृष्णा भाभी। ओ रियली? ऑफ कोर्स पैसों के पीछे, वरना जब उसे देव भाई की पहली शादी के बारे में पता चला या माया के चेहरे के बारे में पता चला तब चली जाती। क्यों नहीं गई? शैली तो बहुत पहले जाती नैना। अगर उन्हें जाने दिया जाता। मुझे लगता है हम सब ने कृष्णा के साथ बहुत गलत किया है। गलत किया है, और जो हम सबके साथ देवराज ने गलत किया है उसका क्या? रति, क्या कहना चाहती है आप? उग्रा, ऐसे मरने के लिए छोड़ देते हम दक्ष को? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि दक्ष की हालत क्या थी। बचपन में ही उन्होंने अपने माँ बाप की मौत अपनी आंखों के सामने देखी। कितना गहरा सदमा लगा था उन्हें। तब जाके थोड़े से संभलने लगे थे जब माया और देवराज की शादी हुई। और फिर एक बार फिर से एक हादसा। माया को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था दक्ष। कितना गहरा सदमा पहुंचा था उन्हें। अब अगर हम उन्हें ये यकीन नहीं दिलाते कि माया जिंदा है, तो या तो वो खुद को चोट पहुंचाते या किसी और को। बस अब तो सिर्फ इस बात का इंतजार है कि कृष्णा हाँ कहेंगी या ना। जयलक्ष्मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हाँ कहेगी या ना कहेगी। उसके पास और चारा ही क्या है हाँ बोलने के अलावा? देवराज जिस मकसद से उसे शादी करके इस घर में लाया था, वो मकसद पूरा हुए बिना वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। Of course. So please, बातों को गोल गोल घुमाकर हमारा वक्त जाया करने में कोई फायदा नहीं। सीधे मुद्दे की बात पर आए। मतलब गज का मतलब एकदम सिंपल है जया जी। इस सब में हमारा क्या फायदा है? जा रहे हैं, जल्दी पता चल जाएगा। सब्र रखिए। से अंबिकापुर की सीमा समाप्त होती है। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? क्योंकि आज से आप आजाद हैं। आप नहीं चाहते कि हम माया बने? फिर दक्ष का क्या होगा? वो मेरा भाई है, उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। लेकिन आपने कहा था कि आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कहा था, लेकिन अपने फायदे के लिए आपसे आपकी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक नहीं छीन सकता हूं। मैंने आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ कहा, मैं गुनहगार हूं आपका। लेकिन अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से आपकी है, अब आप आजाद हैं। और हाँ, आपने जो बैग पैक किया था ना, वो भी मैंने उस गाड़ी में रखवा दिया। मैं जानता हूं कृष्णा, आप इस महल से भागने की कोशिश कर रही थी, और आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, मैं वो भी जानता हूं। ऑनेस्टली एक पर्सनल सजेशन दूं तो आप इस जॉब से कोई बेटर जॉब डिजर्व करती हैं, सो प्लीज ट्राई कीजिएगा। Wish you all the happiness in the world. और हो सके तो आपकी जिंदगी के उन महीनों को बर्बाद करने के लिए I'm really sorry. इन कुछ महीनों में आपने हमें जिंदगी भर का दर्द दे दिया। मैं आपसे वादा करता हूं कृष्णा कि मैं आपके बिहारी जी से आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप इस महल को, इस परिवार को, इस परिवार से जुड़ी हर बुरी याद को और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएं। थोड़ा बहुत नहीं कृष्णा, बहुत ज्यादा प्यार किया आपसे। जब से आपको देखा तब से आपसे प्यार किया। लेकिन कभी उस प्यार का इजहार नहीं कर पाया, सिर्फ आपसे नहीं, खुद से भी नहीं कर पाया कभी। मैंने खुद को आपसे जितना ज्यादा दूर रखना चाहा, उतना ही मेरा दिल आपके करीब आता गया और आपके लिए जगह बनाता गया अपनी। मेरे लिए आप उतनी ही जरूरी हैं जितना जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी होती हैं। लेकिन ये सब बोल के मैं आपको बांधना नहीं चाहता, क्योंकि अगर मैंने आपको अपने दिल की बात बोल दी तो हो सकता है कि आप अपना जाएं। क्योंकि मैं चाहता हूं आप जिंदगी में आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी जिए, मूव ऑन करें। आपको नहीं बता सकता कि मैं आपसे कितना आई लव यू कृष्णा, आई लव यू सो मच। मैं आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता हूं। जवाब दीजिए, क्या कभी भी आपने हमसे प्यार किया? गुड बाय कृष्णा। और बर्दाश्त नहीं कर सकती, किशोरदी भाई तकलीफ में है, दक्ष भाई बेहोश है और ये घर वाले ये अपने ही फायदे की बात कर रहे हैं। रॉयल होने के बावजूद भी हमारी फैमिली बहुत गरीब है। परिवार की असली दौलत पैसा नहीं होती, प्यार होता है, अपनापन होता है, जो इनमें से किसी के पास नहीं है। भाभी अरे कृष्णा थी जिसे झूठ बोलकर यहाँ लाया गया, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। पता नहीं अब मैं उसे देख भी पाऊंगी या नहीं, बहुत चिंता होती है मुझे उसकी। आपको क्या लगता है हमें आपकी चिंता नहीं है? हमने जो जूस भिजवाया था टेस्ट कराने के लिए, उसकी रिपोर्ट मिल गई है। कल जब मैं जूस पी रही थी ना तो उसमें कुछ काली सी चीज थी। अरे रति बेटा ये लो इधर दो, इससे पियो जूस। आपकी रिपोर्ट्स नेगेटिव है, आपके जूस में कोई मिलावट नहीं थी। हमने आपसे वादा किया था ना कि हम आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन अब जब हम वहां नहीं हैं, तो हमने ये जिम्मेदारी आरफ को दी है। हमें माफ करना भाभी, हमें आरफ को सब बताना पड़ा, आपकी प्रेगनेंसी के बारे में भी। और हाँ, अपने खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा और समय समय पर अपना चेकअप करवाती रहेगा। आपको हमसे कोई भी काम हो या हमारी मदद चाहिए, बस एक फोन कर दीजिएगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी मदद करने जरूर आएंगे। अरे भाभी रोइए मत, एक तो जिम्मेदारी दी है कृष्णा भाभी ने आपको खुश रखने की। भाभी मुझे लगता है कि आपको कृष्णा भाभी की बात सुननी चाहिए। पर तुम इतना क्यों घबरा रहे हो नैना? मम ये श्योर है कि आपने रति सावित्री को कॉफी जूस में जो भी मिला के दिया है वो कभी किसी टेस्ट में डिटेक्ट तक नहीं होगा, तो इसमें टेंशन की क्या बात है? मम मुझे लगता है रति सावित्री को ना हम पर शक हो गया है। मतलब ये कि आप जो भी दे रही है उसे, दूध कॉफी जूस, वो सब अवॉइड कर रही है पीना, वरना अब तक तो कोई ना कोई असर दिख ही जाता, लेकिन नो, देयर इज नो सिम्टम्स एट ऑल। इसके बारे में कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत जल्द मॉम। वैसे राघव बहुत जल्द घर वापस आ रहा है। रियली? मतलब रिश्वत काम आ गई। बस एक बार राघव वापस आ जाए और वृंदापुर की फैमिली के साथ उसका रिश्ता जुड़ जाए। वैसे वृंदापुर की रॉयल फैमिली हमारे खानदान के साथ रिश्ता जोड़ने में इंटरेस्टेड है और वो अमीर भी है। बस एक बार ये शादी हो जाए, फिर जयलक्ष्मी और देवराज हमसे नजरें झुका कर बात करेंगे। लेकिन मॉम उसके लिए तो तुम्हारी रति सावित्री को बहुत दूर जाना पड़ेगा और वो भी बहुत जल्द। श्यामा, मैंने आपको बताया ना कि मुझे माया के बारे में नहीं पूछ रहे, कृष्णा के बारे में पूछ रहे। क्यों जाने दिया कृष्णा को? रोका क्यों नहीं उन्हें? देव, मानते हैं कि आप ये नहीं चाहते थे कि वो माया बन के एक झूठी जिंदगी जिए यहाँ पर, लेकिन कृष्णा बन के तो रुक सकती थी ना वो। देव, भले ही आप किसी मकसद से ना रोकते उन्हें, अपने लिए अपनी खुशियों के लिए रोक लेते। ये वक्त खुद के बारे में सोचने का नहीं है श्यामा, दक्ष के बारे में सोचने का है। हमें इनका ख्याल रखना है, इन्हें ठीक रखना है, इन्हें खुश रखना है, इन्हें जिंदगी जीने का नया मकसद देना है। और आपकी जिंदगी का क्या? आप इनकी जिंदगी के मकसद के बारे में इतना सोच रहे हैं कि खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर। तो इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है श्यामा। मैं खुद के लिए जितना जी सकता था जी लिया, लेकिन देव, असल जिंदगी में खुशियां भी बहुत मायने रखती है बेटा, पर खुशियां ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। सब कुछ अच्छा होता नहीं है, उसे अच्छा बनाना पड़ता है। अब हमें ही देख लो, हमें देख लो। तुम्हारी मम्मी और मुझे शुरू में हमारे बीच ना ढेरों परेशानी आई। इसका मतलब ये तो नहीं था कि हम दोनों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया बेटा। परियों की कहानी तभी सच होती है जब हम उन्हें सच बनाते हैं। हाँ बेटा, तुम्हें तुम्हारी परियों की इस कहानी को सच करना होगा। तुम्हारे सपनों को सच करना ये तुम्हारे हाथ में ही है। देखो बेटा, इस तरह ना जिंदगी से भागो मत, जिंदगी को चुन लो। जो कुछ भी है ना तुम्हारे पास, इसे कभी गवाना मत। देख बेटा, एक बात मैं कहना चाहूंगा और तू ये बात जानती है, फिर भी दोहराऊंगा। गुड़िया, इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले थे और खुले रहेंगे। तेरा जो भी फैसला होगा ना, हमें मंजूर है। लेकिन बच्चा, तू सही फैसला ले, इसकी उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं ना बेटा। हम चेन्नई जा रहे हैं, 2 घंटे में हमारी फ्लाइट है। पिकी, तुम एयरपोर्ट तक छोड़ दोगे ना हमें? कृष्णा, कृष्णा बेटा तुम इस तरह। जाओ बेटा, पहुंचकर खबर कर देना। हाँ जी। अपना ख्याल रखना गुड़िया। जी, आप भी अपना ख्याल रखना।